नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2024 से पहले तीन खिलाड़ियों की रिकवरी को लेकर बड़ी अपडेट आई है। तीन खिलाड़ियों के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि भाई साहब, इन खिलाड़ियों की रिकवरी कैसी चल रही है, मैदान पर आएंगे नहीं आएंगे, इनका क्या स्टेटस है। तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी खबर आई है ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद शमी को लेकर। तीनों खिलाड़ी चोटिल हैं, तीनों खिलाड़ी बड़े हैं, तीनों खिलाड़ी अपनी अपनी टीम के लिए बहुत जरूरी है, मैच विनर खिलाड़ी है। ऋषभ पंत अपनी टीम दिल्ली कैपिटल के लिए हर कोई इंतजार कर रहा है ऋषभ पंत का, क्योंकि 2023 में नहीं खेल पाए थे। हर किसी को इंतजार है, दिल्ली के तमाम क्रिकेट फैंस को इंतजार है, दिल्ली की टीम को इंतजार है कि ऋषभ पंत मैदान पर कप्तानी करते हुए शायद इस बार नजर आ सकते हैं। उसके बाद में सूर्य कुमार यादव के बारे में तो आप जानते हैं कि मुंबई इंडियंस के कितने बड़े खिलाड़ी हैं और सूर्य कुमार यादव भी चोटिल थे। उसके बाद में मोहम्मद शमी, गुजरात टाइटंस के बहुत अहम खिलाड़ी, गुजरात को चैंपियन बनाने वाले खिलाड़ी, गुजरात की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी, 2023 में सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी मोहम्मद शमी थे। तो जाहिर तौर पर तीनों खिलाड़ियों को लेकर बड़ा अपडेट आया है, खबर है। सबसे पहले ऋषभ पंत को लेकर खबर बता देते हैं, फिर बाद में एक एक करके सारे खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगा। ऋषभ पंत ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें वो प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं एनसीए में और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि ऋषभ पंत बहुत जल्द रिकवर कर रहे हैं और खबर यह है दिल्ली कैपिटल की तरफ से कि साल 2024 में ऋषभ पंत मैदान पर उतरेंगे। लेकिन अपडेट यह है दिल्ली कैपिटल की तरफ से कि शुरुआत के कुछ मैचेस में ऋषभ पंत से विकेट कीपिंग नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। बीसीसीआई ने भी दिल्ली कैपिटल से साफ तौर पर कह दिया है कि भाई साहब, ऋषभ पंत के साथ कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई ऋषभ पंत को टी20 विश्व कप तक पूरी तरीके से फिट देखना चाहती है ताकि वो मैदान पर उतर सके टीम इंडिया के लिए टी20 विश्व कप में। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने भी दिल्ली कैपिटल को साफ कह दिया है कि भाई साहब, ऋषभ पंत से विकेट कीपिंग ना करवाई जाए, अगर आपको खिलाना है तो केवल बैट्समैन के तौर पर आप उनको खिला सकते हैं। तो यह बड़ा अपडेट ऋषभ पंत के तौर पर है। सूर्य कुमार यादव ने भी हाल ही में एक वीडियो अपलोड करी है और उन तस्वीरों के जरिए ये बताया है कि हाँ, वो पूरी तरीके से ठीक है, क्योंकि उनका हर्निया का ऑपरेशन हुआ था आपको पता है, और प्रैक्टिस करते नजर आ रहे हैं, एनसीए में है, और जाहिर तौर पर उससे पता चल रहा है साफ तौर पर कि अब सूर्य कुमार यादव भी बहुत जल्द टीम इंडिया में वापसी करने के लिए तैयार। उन्होंने भावुक मैसेज भी लिखा है कि बहुत जल्दी मैदान पर आऊंगा। तो साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि साल 2024 के जो आईपीएल होने वाला है, इस आईपीएल में वो आपको मैदान पर नजर आएंगे सूर्य कुमार यादव। ये भी मुंबई के लिए बड़ी अच्छी खबर है। उसके बाद में खबर है मोहम्मद शमी को लेकर। मोहम्मद शमी की एडी का ऑपरेशन हुआ है। आपको पता है कि विश्व कप के बाद से लगातार बाहर थे और विश्व कप में भी खबरें ये आई थी कि चोटिल होते हुए खेले थे वो। तो अब मोहम्मद शमी को लेकर बड़ा अपडेट ये है कि मोहम्मद शमी का ऑपरेशन जो था वो सक्सेसफुल हुआ है, उन्होंने लिखा है। लेकिन अपडेट ये है कि मोहम्मद शमी आपको आईपीएल 2024 में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। मोहम्मद शमी की जगह किसी दूसरे गेंदबाज को लेना पड़ेगा गुजरात को। खबर तो ये थी कि मोहम्मद शमी के भाई मोहम्मद कैफ को शामिल किया जा सकता है, वो भी शानदार गेंदबाज हैं, बेहतर गेंदबाजी घरेलू क्रिकेट में कर रहे हैं। तो ये एक टीम को नुकसान है, बस गुजरात को नुकसान है क्योंकि मोहम्मद शमी नहीं खेलेंगे। बाकी दिल्ली और मुंबई दोनों को फायदा है क्योंकि इन दोनों के ये दोनों स्टार खिलाड़ी वापस आने वाले हैं। लेकिन दिल्ली के लिए थोड़ी सी टेंशन ये है कि आपको ऋषभ पंत विकेट कीपर के तौर पर मैदान पर नजर नहीं आएंगे। तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में ऋषभ पंत का विकेट कीपर के तौर पर मैदान पर ना आना ये दिल्ली कैपिटल के लिए झटका है, और मोहम्मद शमी के झटके को आप किस तरीके से देखते हैं गुजरात टाइटंस के लिए, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।